हेलो और नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल क्रिटिकल एनालिटिकल शिव पर। आप सबका प्यार और सपोर्ट मिल रहा है, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो क्या आप इसमें हमारे साथ जुड़ेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे? पेश है क्रिटिकल एनालिटिकल रिव्यू टाइम कट। यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर प्रसारित हो रही है। जैसा कि ट्रेलर में बताया गया था, यह एक टाइम ट्रैवल फिल्म है। यह एक अमेरिकन टाइम ट्रैवल साइंस फिक्शन फिल्म है। तकरीबन 2 घंटे का समय टोटल लगता है। दोस्तों, कुछ टाइम ट्रैवल फिल्मों में हमने देखा है कि इस प्रकार से क्लाइमैक्स होता है, जहां पर जो घटनाएं घटित हो चुकी है, आप चाहे उसे बदलने रोकने की कितना भी कोशिश कर लो, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी कि वह घटना चाहे बुरी हो या अच्छी हो, जरूर घटित होगी। और कुछ टाइम ट्रैवल फिल्मों में ऐसा बताया गया है कि पुराने समय में जाकर अगर हम कोई बदलते हैं तो उसका नतीजा वर्तमान समय में अच्छा अथवा बुरा हो सकता है, और वर्तमान समय अचानक से ही बहुत विचित्र तरह से परिवर्तित हो जाता है। तो कहानी का बात करें तो यहाँ बताया गया है कि एक स्कूल में पढ़ने वाली लड़की है लूसी। अमेरिका के एक छोटे गांव में वे रह रही है। उसका सिलेक्शन नासा के एक प्रोजेक्ट के लिए हो जाता है, यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम में। परंतु उसके माँ बाप इस प्रोजेक्ट के लिए तैयार नहीं होते हैं। उन्हें डर है कि यह उनकी एकमात्र लड़की बच्ची है। उनकी एक बेटी की हत्या 2003 में हो गई थी और हत्यारा अभी तक पकड़ा नहीं गया है। परंतु यह लड़की अपने माता पिता को कैसे मनाती है और फिर नासा में प्रोजेक्ट करने जाती है। उसकी बहन की डेथ एनिवर्सरी में वाले दिन लूसी को अचानक से एक टाइम ट्रैवल मशीन मिल जाती है और वह समय में पीछे पहुंच जाती है जहां उसकी बहन जिंदा है। अब वह अपनी बहन की जान बचाना चाहती है और हत्यारे को पकड़ना चाहती है अपराध करने से पहले। अब क्या वह अपने इस मिशन में कामयाब हो पाती है अथवा नहीं, यही इस फिल्म की कहानी का मूल सारांश है। तो कैसी है ये फिल्म सीरीज, आइए थोड़ी बात करते हैं। क्या ये फिल्म सीरीज स्टोरी आपको एंटरटेन करती है? नहीं। क्या ये स्टोरी फिल्म सीरीज बिंज वॉच है या नहीं? और क्या इस सीरीज के लिए अपना कीमती टाइम देना वर्थी है भी या नहीं? दोस्तों, यहाँ हम देना चाहते हैं एक स्पॉइलर अलर्ट। अब इसके आगे हम डिस्कस करेंगे इस फिल्म का कहानी, उसके कैरेक्टर, प्लॉट एंगल, मेन इवेंट्स, ट्विस्ट्स, टर्न्स, स्टोरी डेवलपमेंट, पीसेस आदि की बातें करेंगे। दोस्तों, चैनल और वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम नहीं आए, इसलिए हम फिल्म में सीन या फुटेज ज्यादा नहीं दिखा सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें हमारे एक्सपीरियंस की तो यह एक ठीक ठाक टाइम ट्रैवल साइंस फिक्शन मिस्ट्री स्टोरी है, क्योंकि हम बहुत से दर्शक अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के टाइम ट्रैवल यूनिवर्स ट्रैवल वाले कॉन्सेप्ट को पिछले 2-3 साल में देख चुके हैं। तो उस हिसाब से हमारी एक्सपेक्टेशन टाइम ट्रैवल वाली फिल्मों से बहुत ज्यादा हो जाती है। परंतु यह एक बहुत ही सिंपल टाइम ट्रैवल कहानी बनाई गई है, जहां पर की टाइम ट्रैवल मशीन कैसे काम करती है, उसे कैसे बनाया गया है, उसके बारे में कोई बहुत जानकारी या साइंस एलिमेंट समझाया नहीं गया है। फिर जैसा कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में की सीरीज में समय रेखा वाला कॉन्सेप्ट देखा कि अगर टाइम में पीछे जाकर कोई बदलाव या परिवर्तन किया जाता है तो बहुत सारे विचित्र प्रभाव वर्तमान समय में हो सकते हैं या फिर एक अल्टरनेट यूनिवर्स क्रिएट हो सकता है। यहाँ उसे एलिमेंट को भी छोड़ दिया गया है, ज्यादा डिस्कस या एक्सप्लोर नहीं किया गया है। इसे कुछ लाइट हार्टेड बनाया गया है कि टाइम ट्रैवल करके जब कोई कैरेक्टर समय में पीछे पहुंचता है तो बहुत सी घटनाएं, क्योंकि वह अपने जीवन में देख चुका होता है, तो कुछ घटनाओं को वह होने से रोकना चाहता है, जिसने कुछ फनी सिचुएशन इंटेंस सिचुएशन या क्राइम सिचुएशन बन जाती है। यहाँ पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स जैसा कोई बहुत बड़ा टाइम ट्रैवल के जरिए दुनिया को बर्बाद होने वाली समस्या जैसा एलिमेंट नहीं है, और यहाँ उसे हिसाब से बहुत ज्यादा मैच्योर ऑडियंस के लिए नहीं है। तो आपको अगर बहुत ज्यादा टाइम ट्रैवल से एक्सपेक्टेशन रखते हो तो यहाँ निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि आज जो टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट बताया गया है उसमें आप पाएंगे कि जो टाइम ट्रैवल होता है उसे कोई अल्टरनेट टाइम लाइन या फिर वर्तमान समय में कोई परिवर्तन होगा, इस प्रकार का क्लाइमैक्स में कुछ भी समझाया नहीं गया है। टाइम ट्रैवल वाली फिल्में हमें हमेशा ही आकर्षित करती हैं, क्योंकि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और उसने जो टाइम ट्रैवल मल्टीवर्स का एंगल चल रहा है, तो एक चीज तो यह हम सबके दिमाग में है कि टाइम ट्रैवल वाली फिल्मों में अगर आप कुछ छेड़छाड़ करते हो पुराने समय में तो इसका कुछ असर वर्तमान समय में जरूर होना चाहिए। तो अगर आपको इस फिल्म को देखना है तो आपको अपने एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा नहीं रखनी, दिमाग थोड़ा बहुत बंद रखना है, फन एलिमेंट के साथ हल्की फुल्की टीनेजर कॉमेडी टीनेजर ड्रामा, दो बहनों की एक दूसरे से बिना बात होने वाली लड़ाई और हंसी मजाक हंसी ठिठोली देखना ही यहाँ पड़ेगा, क्योंकि कहानी का जो डेवलपमेंट है वह कोई बहुत सीरियस टाइम ट्रैवल के हिसाब से नहीं किया गया है। टाइम ट्रैवल से इस अंदाज से किया गया है कि क्रिमिनल को पकड़ा जाए और अपराध होने से रोका जाए या अपनी बहन की जान कैसे बचाई जाए, हालांकि आखिर में वह अपने मिशन में सफल होती है।
या नहीं, या फिर जैसा कि नियति में लिखा होता है कि जो घटना होनी है वह तो घटित होकर ही रहेगी। आप कितना भी कोशिश कर लो, यह तो आपको फिल्म के क्लाइमैक्स में ही देखना चाहिए। फिल्म का क्लाइमैक्स और एंडिंग बात कर आपका मजा हम खराब नहीं करना चाहते हैं, तो यह कहानी में कुछ ऐसा ही क्लाइमैक्स सस्पेंस दिया गया है जो आपको फिल्म देखकर पता चलेगा। हम यहाँ यह जरूर कह सकते हैं कि क्लाइमैक्स बहुत ज्यादा एक्साइटिंग तो नहीं है, और जैसा कि हम समझ रहे थे क्लाइमैक्स में कुछ नई बात होगी, उतना कुछ नयापन यहाँ दिखाई नहीं गया है। बात करें एक्टिंग का तो जो मुख्य कलाकार है लूसी, वे टाइम में जब ट्रैवल करती है और अपनी बहन से इमोशनली जुड़ी हुई है और अपनी मृत बहन को बचाना चाहती है, उसकी जर्नी से आप खुद को कनेक्ट समझोगे। आप भी चाहते हो कि हालांकि जो उसके साथ घटनाएं हो रही हैं वह बिना लॉजिक की है, सेंसलेस लग सकती हैं, फिर भी आप चाहोगे कि टाइम ट्रैवल के जरिए वह अपनी बहन को बचा ले या अपराधी को पकड़ ले। आपके दिमाग में कुछ टाइम ट्रैवल संबंधित सवाल आ सकते हैं जिन्हें आप अगर इग्नोर करो तो आप इस फिल्म को एंजॉय कर सकते हो। फिर जो उसकी बहन का कैरेक्टर है, पुराने समय में उसकी जो कंफ्यूजन है अपनी बहन के बड़े रूप को देखकर, वे इंटेंसिटी भी बिल्डअप करती है और कभी कभी हंसी मजाक वाले मोमेंट्स आपके मनोरंजन भी करते हैं। माता पिता का जो कैरेक्टर है वह सपोर्ट कास्ट में ठीक ठाक नजर आया है। बात करें फिल्म की प्रोडक्शन डिजाइन सिनेमेटोग्राफी का तो ओवरऑल फिल्म की प्रोडक्शन डिजाइन नेटफ्लिक्स के स्टैंडर्ड के हिसाब से ठीक ठाक नजर आती है। नासा के जो स्पेस सेंटर के एलिमेंट बताए गए हैं वह देखने लायक लगते हैं। फिल्म जो है यंग ऑडियंस को टारगेट रखकर बनाई गई है, तो बहुत सारे रंग बिरंगे सीक्वेंस, रंग बिरंगे घर कलरफुल रखे गए हैं। घर का डिजाइन, कार का डिजाइन आदि यंग ऑडियंस के हिसाब से कलरफुल रखा गया है। टाइम ट्रैवल करके जब मुख्य कैरेक्टर लूसी समय में पीछे जाता है तो 2003-2004 के आसपास समय बताया गया है, परंतु उसको देखकर ऐसा कुछ बहुत लगता नहीं है कि आप 2003 या 2004 में पहुंचे हो, क्योंकि बहुत से एलिमेंट बिल्कुल आज के समय के ही नजर आते हैं और 20 साल पहले और आज के समय में फर्क करना ज्यादा आपको समझ ही नहीं आता है, क्योंकि जो भी एलिमेंट इसमें दिखाए गए हैं उससे आप ये डिफरेंस नहीं कर सकते हो कि यहाँ कोई बहुत सा टाइम फर्क हो गया हो। इसके अलावा एक चीज और भी जो थोड़ा निराशाजनक लगती है कि मम्मी पापा का जो कैरेक्टर है उनकी उम्र में कोई बहुत परिवर्तन नहीं दिख रहा, बस उनके कॉस्ट्यूम और हेयर डिजाइन बदल दिया है, वरना उनके घर अंदर से फर्नीचर और बाकी चीज एक जैसी ही नजर आती है। इस कारण ऐसा लगता है जैसे कि बहुत ज्यादा टाइम ट्रैवल में उनकी फैमिली में कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं होगा। भाई 20 साल के समय में किसी भी परिवार में कुछ ना कुछ परिवर्तन तो आ ही जाते हैं। फर्नीचर एक ही जगह नहीं रखा रहेगा या एक ही प्रकार के घर की डिजाइन नहीं रहेगी, थोड़े बहुत तो परिवर्तन आने ही चाहिए। इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया तो टाइम ट्रैवल वाला उतना इफेक्टिव लगता नहीं है। फिल्म का सेकंड हाफ में जो क्राइम वाला एलिमेंट है, जो सस्पेंस वाला एलिमेंट है, वह कुछ बहुत ज्यादा बचत नहीं है, क्योंकि जो भी घटना हुई है वह आपके सामने आ ही जाती है और आप चाहते हो कि कहानी थोड़ा जल्दी ही खत्म हो जाए, क्योंकि टाइम ट्रैवल के बाद जो लूसी का कैरेक्टर है उसे सब घटनाओं के बारे में बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। कहानी को थोड़ा दिलचस्प बनाने के लिए बहुत सारे पॉप कल्चर रेफरेंस, मीम रेफरेंस और आज के समय में जैसे कि इंस्टा रील, इंटरनेट और टिकटॉक आदि होते हैं, उनका रेफरेंस दिया गया है, जो देखने में थोड़ा दिलचस्प लगता है परंतु बहुत ज्यादा मजा तो नहीं आता है। तो हमारे हिसाब से यह एक बिलो एवरेज स्टोरी ही है। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हुए, पॉपकॉर्न खाते हुए, हल्के फुल्के मनोरंजन और समय व्यतीत करने के लिए आप देखना चाहे तो एक बार देख सकते हो, नहीं भी देखोगे तो आप कुछ बहुत कुछ मिस नहीं करने वाले हो, क्योंकि यह जो टाइम ट्रैवल वाली कहानी है इसको एक्सप्लोर तो किया गया है इस थीम को, परंतु उतना इफेक्टिव तरीके से एग्जीक्यूशन हुआ नहीं है। इससे पहले कि आप यहां से जाएं, हम आपको कुछ बहुत एक्साइटिंग बताना चाहते हैं। हमारे चैनल को यूट्यूब की तरफ से मेंबर्स बनाने के लिए चैनल को अपग्रेड एंड अप्रूव किया गया है। आप हमारे चैनल की मेंबरशिप लेकर हमें सपोर्ट कर सकते हो। मेंबर बनने से आपकी कमेंट्स और लाइव स्ट्रीम के दौरान आपके चैट कमेंट को आपको अधिक प्रायोरिटी मिलेगी और यूट्यूब की तरफ से हमें फाइनेंशियल सपोर्ट, तो कृपया हमारे चैनल के मेंबर जरूर बने। हमारा यह रिव्यू कैसा लगा कमेंट करके बताएं। आपने यह फिल्म सीरीज को देखा हो तो आपको कैसे लगा, आपके ओपिनियन नीचे कमेंट में लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों अभी का हमारा टारगेट है 1,00,000 सब्सक्राइबर्स जोड़ने का और चैनल को वेरीफाई करने का, जिससे हम और अधिक मनोरंजक वीडियो आप तक पहुंचा सके। तो क्या आप इसमें हमारे साथ जुड़ेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे? मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।